देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ठीक है। तो अब देखिए हम किस तरह से इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। कई क्लासों में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग किस लिए यूज़ होती है, बट इसी से रिगार्डिंग आज अपना एक टॉपिक और हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक न्यू कंपनी बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये याद रखना, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे, मुझसे कभी कभी लड़के पूछते हैं कि सर इसके अंदर ये मेरा परचेज का बिल कैसे। सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम क्या है? जनवरी गारमेंट। मुझे कैसे मेरी कंपनी का नाम है और मैंने परचेस किससे करा है? वेनसडे से परचेस करा है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? अगर ऊपर लिखा है तो आपने यहाँ से पहचान लिया कि सर मेरी परचेस। अगर आपको पता नहीं हो मेरी परचेस है फिर कैसे करोगे? अगर मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का नाम क्या है? जनवरी गारमेंट। अगर वो बिल के किसी नीचे आता है तो मेरी परचेज है। क्या है? मेरी परचेज। एक कॉमन सी चीज़ समझिए ना आप, अगर आपने किसी को माल बेचा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखोगे ना और सामने वाले की नीचे रखोगे। अब आप किस कंपनी में काम कर रहे हो? आप जनवरी में काम कर रहे हो ना, किस में काम कर रहे हो? जनवरी। अगर आप किसी से माल खरीदो उसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर है तो उसका मतलब वो क्या है? वो आपकी वो परचेज है और आपके लिए वो उसकी सेल और आपके लिए क्या है? वो हमारी परचेज है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये आपको सबसे पहले पता करके चलना है। अगर मेरी कंपनी का नाम जिसके यहाँ काम कर रहे हो, सपोज अगर आप इसकी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर जिसने किसी से परचेज करा है, अगर इसकी कंपनी का नाम नीचे आता है किसी बिल के, तो मतलब क्या है? हमारी परचेज है। पहली पहचान तो यहाँ से हो जाती है परचेज की, ठीक है। तो ये मेरी परचेज का है। ये देखिए मेरे पास एक डाटा, अब इससे मैंने कंपनी को क्रिएट करा, कंपनी क्रिएट हो रही है मेरी। इतनी तो करिए, इतनी खास नहीं, इसको ध्यान दे दिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, कम से कम ये खत्म हो जाए ना आज के। कल से तुम्हें 7 बजे आना है। तुझे कहाँ गया वो? और आपको यहाँ बैठा था तो 8 बजे एक बिजी 10 बजे तक। देखो कंपनी बन गई, यहाँ से न्यू पासवर्ड डाल के ओपन कर दिया, कंपनी ओपन हो गई। उसके बाद मैं इन्वेंट्री पे गया, नॉर्मल जो फीफो वीफो करता हूँ कर दिया। इसमें अब आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने टॉपिक में? आ गया समझ में? प्रमोद यहाँ तुम भी उठ के आ जाना, तुम्हारा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग। क्या नाम है टॉपिक का? मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहली बात आती है मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। बिजनेस दो तरह के होते हैं, कितने कौन 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 से? उसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है। जो माल को बनाता है वो मैन्युफैक्चर कहलाता है, जो माल को खरीदता है बेचता है वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक डाटा है जिसमें मेरी एक कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है जनवरी गारमेंट, और मैंने परचेज किससे कराया? वेनसडे ट्रेडर से मैंने कंपनी को परचेज कराया। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद अगर ये आपने ऊपर लिखा तो आप समझ गए ये परचेज का बिल है। अगर मेरी कंपनी का नाम नीचे की बजाय कहीं और होता, अगर सपोज ये मेरी कंपनी का नाम बिल के नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? ये मेरी परचेज है। क्या है? कॉमन सी इसको समझना कि अगर आप किसी माल खरीदोगे वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखेगा ना और आपकी नीचे रखेगा, इसलिए इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई? परचेज हो गई। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ऊपर होती तो आपकी क्या हो जाएगी? वो सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? इसके बाद मैं यहाँ गया और यहाँ से तारीख बनाई। तारीख कब परचेज करा मैंने? यहाँ 5 तारीख। तो मैंने कितना डाल दिया? 5 तारीख। बिल नंबर कितना है मेरा? 1201। और यहाँ पर हम एग्जाम डाल देंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करोगे तो ऑलमोस्ट देखो यहाँ पर कहीं लिखा है टैक्स, जब टैक्स ही लगा तो आप किस में बिल काटेंगे? ऑटोमेटिक एग्जाम के अंदर ही बिल काटेंगे। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद आप F3 करके पार्टी बनाइए और क्या था? ट्रेडर्स। ग्रुप में क्या डाल देंगे हम लोग? संडी क्रिएटर्स। संडी क्रिएटर्स हमारे कौन होते हैं? ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे उधार में हम माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है। और ये कहाँ इफेक्ट करते हैं बैलेंस शीट में? करंट लाइबिलिटी के अंदर ही हमारा इफेक्ट करते हैं। और बाकी देखिए आप बिल में पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाल के चलेंगे कि इसका हेड ऑफिस क्या है, क्या इसकी ब्रांच है और इसकी क्या एमएलआईडी। मैं इसमें छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, आप लोग इसको डाल लेना मेन स्टोर। क्या आइटम इससे मैंने खरीदी है? डायनम F5। लेकिन जो हमने आज माल खरीदा है वो माल किस में आ रहा है हमारे पास? क्वांटिटी आ रही है 1550। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जाके 1550 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो माल आ रहा है वो वैरायटी के साथ से आ रहा है, जैसे शॉर्ट नंबर 1 का अलग, साइज का अलग, कलर का अलग और क्वांटिटी का हमारा अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो कर ही नहीं सकता। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम होता है पैरामीटर। क्या होता है? पैरामीटर। पैरामीटर खोलने के 3 तरीके होते हैं। पहला,
आप मास्टर के अंदर जाइए, आइटम पे क्लिक कर दिए और यस कर दीजिए, खुल गया, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पैरामीटराइज डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर बड़ी ध्यान से क्या लिखा है, पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल ऑप्शन, फिर हेडिंग बड़ी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर वन, क्या लिखा है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर वन और मैक्सिमम पैरामीटर थ्री, कितने लिखे हैं, थ्री। तो मतलब हम मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं इसके अंदर, तीन डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी हम फिलहाल एक लेके चले, तो एक में हमें क्या चाहिए, अभी शॉर्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, शॉर्ट आ गया। एक होता है हमारा ओपन, एक होता है प्री डिफाइन, क्या होता है हमारा, एक ओपन एक प्री डिफाइन। तो अभी ओपन ऐसे छोड़ देते हैं और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, सेव करा और सेव कर, सेव हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जाके एक आइटम क्रिएट करी, आइटम का नाम मैंने पहले ही बताया डी डायनम एफ आई एफ, किस में आती है, मीटर में आएगी, तो यहाँ पर हम मीटर डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पैरामीटराइज डिटेल टॉपिक आ गया हमारा, ठीक है। अब एक पीस का रेट कितना है, तो एक पीस का रेट है 20 रुपये, तो मैं कितना डाल दूंगा यहाँ पर, 20 रुपये, ठीक है। देखिए मैं 20 लिखा तो लिखा नहीं गया, तो उसका मतलब नंबर लॉक लगा, नंबर लॉक को ओपन करना पड़ेगा, उसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, सेव हो गया। 1550 एंटर मारा आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा वन, कि एक रोल की क्वांटिटी कितनी है, 110, दो की 220, तीन की 130, चार की 140, पाँच की 150, छः की 160, सात की 170, आठ की 180, नौ की 190 और 10 की 200 हो गया। उसके बाद हमारे नीचे क्या लगा है, डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट बिल में से माइनस होता है, इसमें से क्या हो रहा है हमारा, प्लस हो रहा है, इसमें हमारा प्लस हो रहा है जबकि हमारे बिल में से माइनस हो रहा है। तो इसी को आप ओल्ड प्लस एम कीजिए, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब होगा, इसमें एडिट करके आप F2 करके फटाफट सेव कर दीजिए, और गलती हुई तो F9 करना कंपलसरी, और फिर यहाँ पर लिखिए डिस्काउंट कितना, 1000 रुपये, ठीक है। पहला कोशिश ये है कि इस बिल का और इस बिल का अमाउंट आपको सबसे पहले मिलाना है, उसके बाद आगे चीज़ देखिए, और इसको ध्यान से सेव कर दीजिए, सबल सबल उसके हैं, हाँ। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें कलर भी चाहिए। सर आपने एक तो तरीका बताया कि हम पैरामीटर को यहाँ से खोल सकते हैं, अब सर आप मुझे दूसरा तरीका बताइए। दूसरा होता है आप कंट्रोल एफ दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल एफ, कहाँ जाएंगे, फीचर ऑप्शन में, इन्वेंटरी पे, और डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, पैरामीटर के अंदर, और इसको क्लिक करें, कितने चाहिए, दो, तो यहाँ पर दो लिखेंगे, दो में दूसरे में क्या चाहिए, कलर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कलर। अब मुझे ना मैनुअली नहीं लिखना, कि जैसे मैं चाहूँ लिख दूँ एक बार आ जाए, तो मैं ओपन क्या जगह क्या कर दूंगा, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड में उस जगह करते जब हमारे पास लिमिटेड हो, जैसे कलर आपके लिमिटेड होते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं उस समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपकी लिमिटेड होगी ना उसके अंदर ही आप यूज़ करोगे इसके अंदर, यानी जो चीज़ आपकी लिमिटेड नहीं है उसके अंदर आप यूज़ कर लो उसको, ठीक है। इतने कर दिए और मैंने इसको F2 करके सेव कर दिया। पहले इसमें कलर देख लो मेरे पास कौन सा, रेड है, येलो है, वाइन है, ब्लू है, तो रेड मैंने बना लिया था, ठीक है, येलो मैंने बना लिया, वाइन मैंने बनाया है, वाइन बना लिया, ब्लू मैंने बना ही लिया, फिर रॉयल था, तो मैं यहाँ पर जाके कर दूंगा ऐड रॉयल, ठीक है। रॉयल के बाद मेरे पास क्या है, बी रॉयल, तो मैंने यहाँ पर बी रॉयल रॉयल लिखा, फिर मेरे पास वाइट बता रहा, तो वाइट लिखा मैंने, सी ग्रीन लिखा, फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, रेड वाइट, तो ये दो दोबारा आ गए, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अब क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, सेव हो गया, सेव सेव, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं उसी बिल को खोलूं या मॉडिफाई करके लिस्ट में आऊं, तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा वो टॉपिक मेरे पास दोबारा आ जाएगा। अब पे डिफाइन करने से बेनिफिट क्या हो गया, अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आएगी, जैसा मैं सिलेक्ट करूंगा उस तरह से मेरे पास अब आ जाएगा, आ गया। उसके बाद रेड था तो रेड डाला, फिर येलो था येलो डाला, फिर येलो के बाद मेरे पास क्या था, वाइन, तो मैंने वाइन डाला, वाइन के बाद मेरे पास ब्लू था तो ब्लू डाला, ब्लू के बाद मेरे पास रॉयल, फिर बी रॉयल, तो मैंने यहाँ से बी रॉयल डाला, उसके बाद कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, सी ग्रीन, तो मैंने यहाँ पर सी ग्रीन डाला, सी ग्रीन के बाद वाइट, तो मैंने यहाँ से वाइट डाला, फिर रेड, फिर येलो, हो गया मेरे पास, और मैंने उसको F2 करके सेव कर दिया, ठीक है। अब किसी ने कहा सर मुझे इसमें साइज़ भी डालना है, देखो गलती हो गई, मेरे सेकंड नंबर पे साइज था और मैंने कलर डाल दिया गलती से, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके आपने सीखे, पहला तरीका था यहाँ से जाने का, दूसरा आपने कंट्रोल एवन से, तीसरा तरीका होता है आप इस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे आप, एडमिटेशन के अंदर, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है, उस पर जाके आप क्लिक कर देंगे, थ्री कर देंगे, तो आपका तीसरा भी आ जाएगा। तो मैं साइज सबसे नीचे ले लेता हूँ, ठीक है,
साइज लिखा और मैंने इसको पे डिफाइंड, अब मेरे साइज भी लिमिटेड हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पर साइज भी डाल दिया, मैंने 18 से स्टार्ट करा और 50 तक साइज डाल दिया। हो गया और मैंने इसको F2 करके सेव कर दिया, सेव हो गया। उसके बाद दोबारा मैं इस पर आया और मैंने देखो इस पर एंटर मारूंगा तो मेरे पास एक टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया, क्लियर हो गया। अब पैरामीटर के अंदर मैं कंट्रोल ऐप से फीचर ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर जाके पैरामीटर के अंदर और भी टॉपिक होते हैं। इसमें एक टॉपिक होता है इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर द ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि ये टॉपिक कहाँ यूज़ करते हैं, आप उस जगह यूज़ कर सकते हो जब आपकी आइटम का प्राइस अलग अलग हो। जैसे अभी इसमें क्या हो रहा है, आपकी आइटम का प्राइस एक ही है सबका 20 रुपये, अगर किसी का 10 रुपये, किसी का 5 रुपये, किसी का 15 रुपये, किसी का 75 रुपये, अलग अलग रेट का आता है, तो आप किस टॉपिक की मदद लेंगे, इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक की मदद लेंगे। इसको टॉपिक को अनेबल करते ही आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आपके पास एक टॉपिक ऑल खुल के आ गया जिसमें सबका रुपये 20 रुपये। आप जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे तो आपका रेट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल है फ्यूचर ऑप्शन इन्वेंट्री के अंदर, हमारे पास देखिए और भी टॉपिक है, जैसे मुझे सेल प्राइस चाहिए तो यहाँ पर सेल प्राइस भी आ जाएगा, MRP चाहिए तो MRP भी आ जाएगा, बट इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम इसको ऐसे ही हटा के सेव कर दें। ठीक है, तो हमारी परचेस समझ में आ गई आप लोगों को, परचेस क्लियर हो गई। परचेस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें देखिए नेक्स्ट जो हमारा बिल आता है, ठीक है, अब मैंने बिल किससे खरीदा, रोहित कुमार से। तारीख कितनी है, तारीख 2 है, जो 2 तारीख, बिल नंबर 110। क्या नाम है पार्टी का, तो F3 से बनाया मैंने, F3 से, और ग्रुप में सिंडिकेट डाला और मैंने इसको नो करा और सेव कर दिया, सेफ हो गया। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, यहाँ तक आते आते सेफ हो गया। उसके बाद मैंने क्या आइटम खरीदी, इससे शर्ट खरीदी, तो मैंने यहाँ पर F3 का लिख दिया गया शर्ट। शर्ट किस में आती है, मीटर में आ रही, तो मीटर डाल दिया मैंने। एक पीस की वैल्यू कितनी है इसमें, 20 रुपये, तो मैंने इसमें 20 रुपये डाल दिए। और इस टॉपिक को यस रहने देना है क्योंकि इस समय मुझे पैरामीटर की ज़रूरत है, और मैंने इसको सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी, तो मैंने इसमें बोला क्वांटिटी है मेरी 1550, तो मैंने यहाँ से 1550 डाल दी। उसके बाद शॉर्ट नंबर 1 ही कलर इसमें है वाइन, तो मैंने वाइन ले लिया। वाइन का साइज़ है मेरा 200, तो 200 तो आया ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो दोबारा मुझे वहाँ पर कंट्रोल एफ करके फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री के अंदर पैरामीटर के अंदर यहाँ पर जाके दोबारा कलर को ऐड करना पड़ेगा। जैसे साइज़ मैंने ले लिया यहाँ पर 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 140 नहीं होता, 120, 110 हो गया। अब देखिए जो मेरे कलर बनाए उस कलर में आपको ना तो वाइन, ना तो आपके पास नेवी था और ना ही आपके पास फोन था, ठीक है, बाकी सारे थे। तो मैं यहाँ से और मैंने यहाँ पर डाल दिया, कौन सा ब्लैक भी नहीं था, ये नहीं गया था, इसको कहीं आज लगाया, 2-3 जगह इंटरव्यू देखे। उसके बाद देखिए मेरा काम हो गया। अब मैं जैसे देखो इंटर मारूंगा, यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट नंबर, नमस्ते, फिर मैंने लिखा यहाँ पर वाइन, उसके बाद मेरे पास साइज 200, क्वांटिटी 110, ठीक है, उसके बाद शू, फिर आपके पास रॉयल, तो मैंने यहाँ पर रॉयल डाला। रॉयल, रॉयल में क्वांटिटी कितनी है मेरी, 190,
123 रोल के बाद मेरे पास कितना है ब्लू, तो मैंने यहाँ पर ब्लू डाला, एक पीस का कितना रेट है हमारा 180, 130। फिर हमारे पास फोर देखते हैं ना कि कलर फोर में रेड है फिर ब्लैक है, ठीक है 170, 140। फाइव में मेरे पास क्या था, ब्लैक था, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करा, ब्लू हो गया, ब्लैक था ब्लैक लिया 160। फिर हमारा रेट यहाँ हो गया 156। ब्लैक के बाद क्या था, सी ग्रीन 1450, 167, फोन 140, 117, 8 फोन क्या क्या था रेड कितना 130, 180। फिर 9 आपका एक गलत, तुमने बीच में नेवी कलर मिस करवा दिया, नेवी और यहाँ फोन था, फिर आपका रेड था 120, 190, 10 आपका येलो कितना 110, 200 हो गया। और इसको मैंने यहाँ पर, अब देखिए यहाँ डिस्काउंट लेस हो रहा है बिल में से, डिस्काउंट क्या हो रहा है लेस हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट डालूँ तो बिल में क्या हो जाएगा ऐड हो रहा है, तो मुझे लेस करना है, तो मुझे यहाँ ओल्ड प्लस एम बी कर सकता हूँ और आफ्टर करके डुप्लीकेट बनाया, डुप्लीकेट बनाया उसका क्या लिख दिया लेस, ठीक है या आप यहाँ पर लेस लिख के सेव कर दीजिए, ठीक है और यहाँ पर सब्सक्रिप्ट करके अब एब्सोल्युटली अमाउंट करना, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेव कर दीजिए खाली, हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस लगाइए और नीस को सिलेक्ट कर लीजिए, कितने परसेंट कितने रुपए, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये डालिए, हो गया आपका बिल। और इसको F2 करके आप नॉर्मल जैसे सेव करते हैं वैसे सेव कर दीजिए, सेव हो गया। उसके बाद से हमने क्या खरीदा, हमने और रॉ मटेरियल खरीदा, क्या खरीदा हमने, रॉ मटेरियल खरीदा, तो मैंने यहाँ पर गया तो मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल डाल दिया, फिर एक मैंने पार्टी है, पार्टी का नाम कितना है 4 तारीख, बिल नंबर 17160, पार्टी का नाम क्या है अमित रॉ मटेरियल, तो मैंने यहाँ पर F3 करके बनाया, और ग्रुप में सैनरी क्रिएटर डाला, इसको सेव करा और F2 करके मैंने सेव करा। क्या आइटम खरीदी मैंने इससे, चैन अस्तर रिपीट बटन, तो मैंने यहाँ पर F3 से बनाया चैन पीस 2 रुपए। अब पैरामीटर की जरूरत नहीं है ना, तो ध्यान से इसको नो करके सेव करें, सेव हो गया। कितनी क्वांटिटी चैन 11,000, तो 11,000 डाल दिया चैन के बाद। अस्तर तो मैंने यहाँ पर F3 करा, अस्तर डाल दिया, अस्तर मीटर में आ गया, एक पीस की वैल्यू 10 रुपए, पैरामीटर की जरूरत नहीं, इसको नो करेंगे। कितनी क्वांटिटी 5,000, तो यहाँ पर 5,000 डालेंगे। अस्तर के बाद हमारे पास बटन है, तो F3 से मैंने बटन बनाया, बटन पीस में तो पीस डाला, एक पीस की वैल्यू 0.10 डाला, इसको सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी 110। उसके बाद मेरे पास रिपीट है, F3 से बनाया मैंने रिपीट, किस में आता है KG में, तो KG डाला, एक पीस की वैल्यू कितनी 10 रुपये, 10 रुपये डाला, इस टॉपिक को नो करा और सेव कर दिया, सेव हो गया। कितनी क्वांटिटी 10, तो 10 डाल दी। उसके बाद रिपीट किया, उसके बाद टैब, तो मैंने F3 से बनाया टैब, कितने KG में आया, तो KG डाला, एक पीस की वैल्यू कितनी हमारी 20 रुपये, तो 20 रुपये डाला, इसको नो करा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है और सेफ हो गया। कितनी क्वांटिटी 100, तो उन्होंने डाल दी, ठीक है। कहीं यहाँ देखो 10,000 था, तुमने बताया नहीं, अभी टोटल में फर्क आ रहा है कहीं, ठीक है तो 95 आ तो रहा है। फिर क्या लगा हमारा फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, कितना लगा है 5,000 रुपये। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज पता है ना आपको क्या होता है, माल आने पर जो लगता है किराया, उसको किसमें डालते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, उसको हमने सेव कर दिया, सेफ हो गया हमारा कोई प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद अब मैंने कटिंग करी, कटिंग के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, अब जो हमारे स्टार्ट होती है हमारी नॉर्मल परचेस है, आप लोग सभी कर लेते हो, अब स्टार्ट होती है कहाँ पर, कटिंग वाउचर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, कटिंग वाउचर पे।
कटिंग वाउचर पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल अप करेंगे, फीचर ऑप्शन पे जाएंगे, इन्वेंट्री पे जाके हम एक टॉपिक अनेबल करेंगे जिस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इन प्योर इन एंट्री वाउचर। इस टॉपिक को चाहे आप कंपनी बनाते समय यस कर दो या पैरामीटर टॉपिक कर रहे हो तब। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जब मैं उनको बताता हूँ तो क्या करते हैं, पहले एंट्री कर ले, जब आपको पैरामीटर मिल ली तो आप पहले पैरामीटर बना लेंगे। एक चीज़ पहली बार याद रखनी है हमेशा के लिए कि जब एक बार आपने यहाँ से यूज़ कर दिया तो इसको कभी भी यहाँ से अनचेक करके सेफ नहीं करेंगे, वरना क्या नुकसान होगा, जितने पे आपने काम करा होगा सारा टॉपिक वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। ठीक है, ये सोच लो कि अगर आपने एक बार पैरामीटर बना लिया तो यहाँ से हटाना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसमें आपको ज़रूरत नहीं उसमें आइटम में आप नो कर दीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो होता है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, पे क्लिक करेंगे और तीनों पे टिक करना जरूरी है। इस टॉपिक का यूज़ बताता हूँ। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है स्टॉक जर्नल। अगर आपसे कोई पूछता है सर स्टॉक जर्नल का बेनिफिट क्या है, क्या है स्टॉक जर्नल का बेनिफिट क्या है, तो स्टॉक जर्नल का बोलोगे सर स्टॉक जर्नल का जो यूज़ होता है आइटम को बढ़ाने और आइटम को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, आइटम को इंक्रीज और आइटम को डिक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ, स्टॉक जर्नल का आइटम को बनाने और आइटम को कम करने के लिए किसकी मदद लिया जाता है, स्टॉक जर्नल का। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर किसी को, आगे समझ में कोई दिक्कत? उसके बाद ठीक है, जनरेट मतलब होता है बढ़ाना, और अगर यही वैल्यू डाल देंगे तो माल खत्म हो जाए। कंज्यूम मतलब खत्म करना होता है, जनरेट मतलब बढ़ाना। अगर वैल्यू को बढ़ाना है तो आप यहाँ डालिए, और वैल्यू को कम करना है तो यहाँ डालिए। ठीक है, अब देखिए मैं गया ऐड पे, तो सबसे पहले आ रही है यहाँ पर, हम इसका यूज़ कटिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कटिंग करी एक पीस, जिसका पीस क्या बनाई है, मैंने पीस बनाई है लॉट नंबर 1172। क्या बनाया मैंने, लॉट नंबर 1172। ठीक है, इसमें कितने मीटर कपड़ा लगा, तो इसमें बताया गया है कि 360 मीटर कपड़ा लगा, पीस कितनी बनी है, 180 पीस बनी है। ठीक है, किसने कटिंग करी है, रोहित ने, तो यहाँ पर रोहित डाल दिया। तो कटिंग कब हो रही है, कटिंग की डेट बताइए 12, तो यहाँ पर सबसे पहले 12 तारीख डालेंगे। अब ब्रैकेट में लिखिए आइटम जनरेटेड और ब्रैकेट में देखिए आइटम कंज्यूम। यहाँ पर हम उसका नाम डालते हैं जो माल को बनाता है, क्या करता है, जो माल को बनाता है। कौन बना रहा है माल आपका इसमें, रोहित बना रहा है, तो यहाँ पर आप F3 करके लिखेंगे कटिंग मास्टर जी रोहित, और ग्रुप में क्या डालेंगे, प्रोडक्शन फ्लोर। क्या डालेंगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फ्लोर क्यों, क्योंकि रनिंग में इसलिए अभी तैयार नहीं हुआ, रनिंग में तो क्या डालते हैं, प्रोडक्शन। इसको F3 करेंगे, उसके नाम से एक लेजर बना लेंगे ताकि जो इसकी मेहनत के पैसे हों उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्या हो जाए, हमारे कॉस्ट हो जाए। इसको मैंने F2 करके सेव कर दिया, सेफ हो गया। उसके बाद ये माल जब कटिंग होगा तो कहाँ से माल रखा जाएगा, कहाँ से लेगा, तो माल आपने जब परचेज करा था कहाँ डाला था, मेन स्टोर पे डाल, तो माल कहाँ से उठेगा, मेन स्टोर पे। कॉमन सी बात है, अगर ये पैंट बनी है तो उसमें कुछ कपड़ा तो लगा होगा, कपड़ा लगा है, बटन लगी है, चैन लगी है, रिपीट लगी है, धागा लगा है, ये चीज़ खत्म हुई तभी तो एक माल बना है, बना ना यही, तो यही इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ टॉपिक है आइटम जनरेटेड। अब हमेशा याद रखना, यहाँ तो उसका नाम डालना जहाँ माल आपका जनरेट करने वाला है, यहाँ कहाँ नाम डालेंगे, जो खत्म करेगा, जहाँ से माल का फर्स्ट फ्लोर पे माल रखा तो क्या डालोगे, फर्स्ट फ्लोर, निकल जाओ। ठीक है, और माल यहाँ से ख़त्म करना है तो यहाँ से उठाना है। क्लियर हो गया। इसके नीचे जो हमारा टॉपिक आता है आइटम जनरेटेड, यहाँ पर हमेशा वही आइटम डालेंगे। ठीक है दीपक, 2 मिनट में तुमसे बात करनी है अभी। इसके बाद हमारे पास आती है कटिंग मास्टर जी रोहित। क्या आता है आपका, कटिंग मास्टर रोहित। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब कभी आपको यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले, ठीक है, अगर यहाँ पर दो चीज़ में गलती होती है, एक तो डेट का विशेषकर ध्यान देना, और ये दोनों चीज़ों का याद रखें। यहाँ पर किसका नाम डालते हैं, जो माल को बनाता है, बार बार बता रहा हूँ, जो यहाँ पर उसका नाम डालते हैं जो माल को बनाता है, दूसरा जो यहाँ से माल को ख़त्म करता है, वह लोकेशन आती है। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए, दोबारा समझा दूंगा। माल ये भी कह सकते हैं, बस मेरे हिसाब से कि जो माल जनरेट करेगा वो यहाँ से नाम, और जो माल यहाँ से ख़त्म करेगा वो कंज्यूम में नाम डाल के ख़त्म करें, कोई प्रॉब्लम है, कटिंग। अब आती है आइटम जनरेट, यहाँ पर जो आइटम बनेगी उसका नाम डालें। क्या आइटम बनी है यहाँ पर, लॉट नंबर 1072। क्या बनी है, 1172। तो यहाँ पर हमेशा उस आइटम का नाम बनाएंगे जो आइटम बनती है। क्या होता है, जो आइटम बनती है सबसे पहले उसका नाम डालेंगे। तो यहाँ पर F3 का लिखा मैंने क्या, लॉट आर्टिकल नंबर था ना, तो मैंने आर्टिकल नंबर 1072। या तो आर्टिकल नंबर डालते हैं लोग, या डिजाइन नंबर डालते हैं, या साइज नंबर डालते हैं, जो आपको बताएंगे वो नाम डालना है। जब माल कटिंग होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीस में। तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, पीस।
और इसको मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट करके मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। कितनी पीस बनी है यहाँ पर, तो पीस बनी है 180, कपड़ा लगाया 360 मीटर, पीस कितनी बनी 180, तो 180 डाल देंगे, आ गया। उसके बाद F2 से नीचे जाएंगे, क्या करेंगे F2 से नीचे आएंगे। अब इसको बनने में क्या लगाए, तो इसको बनने में क्या लगाए, 360 मीटर पहले कपड़ा लगाए, कौन सा कपड़ा लगाए, शर्ट वाला, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, शर्ट। शर्ट मेरे पास स्टॉक कितना है, लगा कितना है, तो मैंने यहाँ पर कितना डाल दिया, 360। इंटर मारा, जैसे इंटर मारा तो मुझसे पूछा कौन कौन से रोल कटे, तो मैंने बोला 110 मीटर का, देखिए क्वांटिटी 110 मीटर का रोल खत्म हुआ, उसके बाद 120 मीटर का, फिर 130 मीटर का, तो हो गया मेरे पास 360। टॉपिक मेरा सारा यहाँ से हट गया, क्लियर हो गया। उसके बाद इतना समझ में आ गया आपको, और इसको मैंने नेक्स्ट गया। उसके बाद मैंने क्या करा, अब ये मुझे बता रहा है कि 1 मीटर अस्तर 10 पीस में लगा, क्या हो रहा है आपका, 1 मीटर अस्तर 10 पीस में लगा, तो पीस कितनी बनी है 180, तो कितने मीटर कपड़ा लगेगा टोटल, 18 मीटर, तो 18 डाल। अब 18 कैसे आ गया, कोई आइडिया आप लोगों को, एक पीस में कितने मीटर लगा, 1 मीटर में कितनी पीस बन रही है, 10 बन रही है, तो अगर मैं पूछूंगी अगर 180 पीस में कितने मीटर कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे बताओगे, डिवाइड कर दो 180 को 10 से, कॉमन समझिए ना, आपके पास एक आम है उसको 10 लोगों में बांटने, क्या करना है, 10 लोगों में बांटने, तो उसको डिवाइड ही तो करते हो। मैंने बोला मेरे पास एक पेटी आम की 180 लोगों को बांटना है, तो आप उसमें से कितने आम निकालोगे, 18 आम तो निकालोगे, तो वही आपको उसमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक पीस में एक चैन लग रही है, तो पीस कितनी बनी हमारी 180, तो चैन भी कितनी लगेगी हमारी 180। फिर हमारे एक पीस के बाद आता है कि एक पीस में 9 बटन लग रहे हैं, जब एक पीस में 9 बटन लग रहे हैं तो पीस कितनी बनी हमारी 180, जब एक में 9 लग रहा है तो टोटल पीस में कितना लग जाएगा 1620। सर इसमें इंटू हुआ, इसमें डिवाइड, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे मैंने बोला एक पीस 9 बटन लेगी, क्या करेगी, एक पीस में 9 बटन लगेंगे, और 180 पीस बनाएंगे तो कितने बटन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1620, क्लियर हो गया। उसमें क्या था, उसमें मैंने बोला एक पीस 10 जगह लग रही है, इसलिए मैंने उसमें डिवाइड करा था। उसके बाद नीचे नेक्स्ट आता है 1 kg रिपीट 15 पीस में लग रही, मतलब 1 किलो माल 15 पीस में लग रहा है, 180 में कितना लगेगा 12 किलो, 180 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब ये काम खत्म हो गया, नीचे वाली वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो तो आपकी एक पीस की कॉस्टिंग आ जाएगी, तो एक पीस की कॉस्टिंग कितनी आ गई, 43 रुपए 27 पैसे एक पीस की कॉस्टिंग आ गई, जिसमें रॉ मटेरियल को जोड़ने के बाद, क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, एक पीस की जोड़ने के बाद कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। ये काम तो आपने मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कराया, आपने पैंट बनाए तो समझ में आ गया, अगर आपने कंप्यूटर बनाया होता तो भी तो ये काम होता, जो कंप्यूटर का नाम होता वो ऊपर डाल देते, जो कंप्यूटर में लगा वो डाल देते, अगर कोई स्पीकर बनाता है उसमें प्लाई क्या लग रही है वो सारी यहाँ डालते, जो बनाया वो यहाँ डालते, मतलब कॉन्सेप्ट सारा यही है, बस आपको वैल्यू चेंज करनी है, जो बनेगा वो नाम ऊपर, जो खत्म होगा वो नीचे, चाहे आप कंप्यूटर बनवा लो या एक बोतल बनवा लो, कुछ भी करवा लो, सब ऐसे कॉमन पैटर्न ही आप यूज करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। दो मिनट हो जाएगा तो बोल दे उसको, चल ठीक है फिर निकल जा, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, कोई इश्यू इसमें आप लोगों को, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स रखना है कि वैल्यू को, ये वाली वैल्यू हमेशा जो बनेगी ऊपर, जो खत्म होगी वो नीचे, कॉमन सी बात। अब किसी ने आपसे पूछा कि एक पीस को बनने में कितने मीटर कपड़ा लगा, तो कैसे बताओगे, जैसे मैं पूछूंगी तुम्हारी बैंड में कितना लगता है, सर एक पीस लगता है मेरे में, 140 लगता है, 160 लगता है, अगर यहाँ पर मैं एवरेज निकालनी है एक पीस में कितने मीटर कपड़ा लगा, तो कैसे निकालोगे, टोटल मीटर को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, जितनी हमारे पास क्वांटिटी बनी होगी, तो कितनी बनी, 360 मीटर कपड़ा लगा, पीस कितनी बनी 180, तो कितनी मीटर की एवरेज आ गई, 2 मीटर की आ गई पर पीस, यही तो आई है हमारी एवरेज, क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन आ रही है यहाँ पर, किसी को कोई है मन में डाउट तो पूछ लीजिए, अब मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके बाद माल आगे, कटिंग के बाद माल गया है कहाँ पर, फैब्रिकेटर के पास, कब गया है, 14 तारीख को, तो यहाँ पर आगे जब हम, अब ट्रांसफर आता है, स्टॉक ट्रांसफर का यूज़ क्या करते हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने, अभी जब कटिंग का, तो माल किसके पास था हमारा, कटिंग वाले के पास था, अब माल ट्रांसफर किस पर करना है, फैब्रिकेशन के पास, तो कब करना है, 14 तारीख, फ्रॉम मतलब जिसके पास माल होता है, तो किसके पास समय, कटिंग वाले के, तो कटिंग किस पे जा रहा है, तो उसका नाम डाल देंगे,
ठीक है, ग्रुप में क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन, इसको यस करो। अब थी से मैंने इसका नाम बना लिया। और मैंने इसको ग्रुप में क्या डाल दूंगा, संडी क्रिएटर, इसको नो करा और सेव कर दिया। अब क्या दे रहे हैं उसको, लॉट नंबर, आर्टिकल नंबर कितनी पीस, 180 पीस, तो मैंने कितना डाल दिया, 180, एक पीस की क्या आई, 43 रुपये। अभी एक पीस के कितने रुपये ले रहा है, एक पीस के 3.50 रुपये ले रहा है, कितने ले रहा है, 3.50 रुपये। तो मैंने यहाँ पर F3 करके बनाया एक जॉब वर्क चार्ज, तो मैं यहाँ पर जॉब वर्क चार्ज भी लिख सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और जो भी आपको लिखना है वो चार्जेस आप यहाँ पर डाल के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है कि आपको यही लिखना है, मैंने लिख दिया जॉब वर्क, ठीक है। उसके बाद बिल में जोड़नी, तो मैंने एडिट करा और यहाँ पर एक टॉपिक आता है, इफेक्ट द कॉस्ट इन स्टॉक ट्रांसफर। इस टॉपिक को यस करने का बेनिफिट ये कि अगर जैसे आपने इसको कितने रुपये दिए, 3.50 रुपये दिए, तो पहले आपकी एक पीस की कितनी एवरेज आ रही थी, 43.27 रुपये, 3.50 रुपये हर पीस में जुड़ जाएगा इस टॉपिक को यस करते ही। तो इस टॉपिक को ध्यान से यस करना है। उसके बाद हमें उसके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर करना है, तो इस टॉपिक को यहाँ पर क्लिक, कहाँ खड़े हैं इस समय हम, स्टॉक ट्रांसफर पे, तो इस पर क्लिक करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर पे आएंगे, यहाँ आता है आउटसाइड पार्टी, यहाँ पर लिखा है इफेक्ट अकाउंटिंग, क्या आपको अकाउंटिंग भी साथ में मेंटेन करनी, मैंने कहा जी बिल्कुल करनी है अकाउंटिंग मेंटेन, मैंने अकाउंटिंग के तो मेरे पास काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कौन से अकाउंट में आप चेंजेस करोगे, मैंने कहा जो अकाउंट मैंने ऊपर डाला उसी अकाउंट में यहाँ पर करना है। उसके बाद किस अकाउंट के नाम से पैसा उसके अकाउंट में पोस्ट होगा, तो मैंने बोला किसके नाम से पोस्ट करना है, जॉब वर्क के नाम से, जो उसकी मेहनत का पैसा है ये ग्रुप में किस में जाएगा, एक्सपेंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सर आपने यही ग्रुप क्यों लिया, क्यों, क्योंकि ये माल की कॉस्टिंग में जुड़ता है, जैसे ये 10 रुपये की पीस है, इसमें 2 रुपये की मेहनत लगी तो कितनी कॉस्टिंग होगी, 12 रुपये, तो ये हमारा परचेज के अंदर ऐड हो जाता है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जो माल से रिलेटेड हो। इस टॉपिक को यस कीजिए और इस टॉपिक को, और यहाँ कर देंगे हम पर मैन क्वांटिटी, जितना बनाएगा उसको उतने के पैसे देंगे, एक्स्ट्रा के पैसे नहीं देंगे, और F2 करके हम लोग सेव करें। कितनी क्वांटिटी एक पीस की, 3.50 रुपये, तो यहाँ पर 3.50 ज़्यादा, एक पीस की टोटल कितने लेगा मुझसे, ये 300, 630 रुपये, कैसे ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो रिजल्ट आपका कितना आ गया, 33। मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो देखिए आप कटिंग वाउचर में हमारे पास रोहित के अकाउंट में ऑलरेडी कितने पहुँच जाएंगे पैसे, 630 रुपये उसके अकाउंट में हमारे पास ऑलरेडी, हमें उसको देने, CR मतलब होता है देना, DR मतलब होता है लेना, ठीक है। ऐसी कमल से माल आगे कहाँ ट्रांसफर हो गया, वॉशिंग लाला जी पे, तो यहाँ पर मैंने कमल माल डाला कमल, और यहाँ पर डाल दिया क्या, वॉशिंग लाला ली पे, और ग्रुप में प्रोडक्शन डाल के सेव कर दिया, ठीक है। क्या था लाला था ना, बात जरूरी करनी थी, चल अभी या फिर कल बात कर लूँ, इसको सेव कर दिया। उसके बाद कितना है, निकल जाए कोई नहीं, कल ही बात करता हूँ फिर दुआ, नहीं नहीं और कोई बात करनी थी अभी, तू जो बात कर रहा था उसके बारे में बात करनी थी। यहाँ पर 3.50 रुपये कितने रुपये ले रहा है आपके फैब्रिकेशन के, 60 रुपये, तो यहाँ पर 60 रुपये ले गए, 180 कॉस्टिंग कितनी होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर कितने F2 पे जाएंगे, लिखेंगे क्या, जॉब वर्क, एक पीस के कितने रुपये, 60 रुपये, तो यहाँ पर 60 रुपये लिख देंगे। F9 कीजिए, गलती हो गई, जॉब वर्क 60 रुपये, तो आ गई कितनी, आ गई 10,800, इसको सेव कर दिया। उसके बाद लाला से माल कहाँ गया आगे, 16 तारीख को कहाँ पर, लाला टू शॉप पे आ गया ना, लाला वो लाला से शॉप पे आ गया, तो आप तीसरे बनाएंगे क्या, शॉप, ग्रुप में क्या डालेंगे आप, गोडाउन या को और डालेंगे, और इस टॉपिक को यस करेंगे। अब इस टॉपिक को बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, इसको सेव करेंगे, ठीक है। उसका आर्टिकल नंबर लिया, अब इसको क्या दे रहे हैं हम, आर्टिकल नंबर कितना, 180, तो 180 पीसी कॉस्टिंग कितनी होगी ऑटोमेटिक, 106 रुपये, फिर कितना आ गया आपका जॉब वर्क, कितने रुपए की जॉब वर्क आ गई, 35 रुपये, तो 35 रुपये कितनी हो गई, 6,300 रुपये हमें इसको देने। अब आपसे कोई पूछता है कि एक पीस की कॉस्टिंग कितनी आई, तो आप क्या बोलोगे, कॉस्टिंग निकालने के दो तरीके, आप इन दोनों खर्चों को जोड़ दो, 106 रुपये 77 पैसे प्लस 35 रुपये, तो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी आपकी, 141 रुपये 77 पैसे। दूसरा तरीका होता है कि आप इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, तो भी आपका क्या जाएगा, एक पीस का रेट निकल के आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, F10 टोटल प्राइस मल्टी डिवाइड बाय
नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो कितना आ गया आपका, सेम आ गया। तो ये तरीका भी आपका कैलकुलेशन का होता है। तो आपको कॉस्टिंग निकालनी आ गई, किसी को भी प्रॉब्लम है इसके अंदर आ गया, तो मैंने इसको सेव कर दिया, हो गया एक तरीका तो कॉस्टिंग। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, स्टॉप से माल डायरेक्ट कहाँ लिया, मेन स्टोर पर। जैसे आप मेन स्टोर पर लाओगे, देखिए यहाँ पर 180 डालेंगे तो ऑटोमेटिक वही कॉस्टिंग यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप सेव कर दीजिए, सेव हो गया। बट आपको याद रखना है कि लास्ट में मैंने माल कहाँ भेजा था, ये आपको पता है। अभी एक लोड नंबर तो आप पहचान कर सकते हो, जब आपके पास कई सारे लोड नंबर हो कैसे पता करोगे, एक दिन में 10 लोड नंबर का काम करना तो कैसे मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, अब मुझे क्या करनी है, सबकी पेमेंट करनी है। पेमेंट 29 तारीख को करनी, तो मैं पेमेंट के अंदर गया, मैंने यहाँ से 29 तारीख सेलेक्ट करी, आगे 29 तारीख मेरी। उसके बाद ये पूछा कि पेमेंट कैसे करनी है, तो मैंने कैश में करी, तो मैंने यहाँ लिखा कमल कितना 10800, मैंने कितना डाल दिया 10800 की पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है। कैश पड़ा नहीं, नेगेटिव जाएगा। कमल के बाद रोहित, रोहित कितनी 630 की, तो 630 डाल के सेव करम। रोहित के बाद मेरे पास कौन बचा है, लाला 6300 और सेव कर दें। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब सर ने कहा कि ऐसा करो 10 पीस की आगे सेल कर दो, क्या लोड नंबर उसकी सेल कर दो। तो मैंने यहाँ पर तारीख लिखी 22 तारीख, कैश में करनी, तो मैंने यहाँ पर कैश सेलेक्ट करा। और माल कहाँ पर है, मेन स्टोर में, तो मेन स्टोर ले लिया अब, ठीक है। कितनी पीस, 10 पीस। रेट तो आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसके अंदर सेल प्राइस तो डाला ही नहीं था ना। तो हमारी कॉस्टिंग कितनी आई थी, कॉस्टिंग आई थी 141 रुपये 70 पैसे। मैंने बोला इसका 60% मैं प्रॉफिट लूँगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक पीस की वैल्यू 226 रुपये। तो मैंने कितना डाल दिया, 230 रुपये डाल के सेव कर दिया, और F9 करा, और फिर आर्टिकल नंबर डाल दिया, और मैंने बिल को काट के दे दिया सर को, ठीक है। क्लियर, ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग अभी आपने जो सीख ली होगी, अब इसकी रिपोर्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी रिपोर्टों के बारे में समझना। या रिपोर्टें कल समझाऊंगा, बहुत लेट हो जाओगे आप लोग, बैठिए इतनी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो आपने देखा किस तरह से हमने आज मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक को कवर कराया, ठीक है।